आज की जो वैकेंसी है ICMR के तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें डिप्लोमा बी बीटेक फ्रेशर बिल्कुल ही अप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट इसमें सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी रहने वाला है। सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा पे किया जाएगा, बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। इसमें सारा कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ब्यौरा दिया गया है, इसमें सभी कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम पोस्ट वाइज वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपको देख सकते हैं लेवल 6 का सैलरी प्रोवाइड किया जाए, जिसमें बेसिक पे आपको 35,400 और ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आपका 50,000 प्लस बनने वाला है। इसमें सभी कुछ डिटेल से मेंशन किया। ग्रुप बी का ये वैकेंसी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी रहने वाला है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिस्कस कर दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट फील्ड, और में यहाँ करके मेंशन किया हुआ है फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिलेवेंट फील्ड में यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं और में मेंशन किया हुआ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख सकते हैं। बायोमेट्रिक्स में आपके पास डिप्लोमा बी बीटेक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स मेंशन किया है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स मिलने वाला है। पर सेकेंड नंबर पोस्ट की बात करें, देख सकते हैं आपका पोस्ट नेम टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स के लिए वैकेंसी रहने वाला है। इसका भी देख सकते हैं लेवल 6 का आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है। नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप बी का पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी इसमें भी रखा गया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में या डिप्लोमा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें देख सकते स्टेटिक्स, बायोस्टेटिक्स, अप्लाइड स्टेटिक्स और पोल्यूशन स्टडीज में आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पोस्ट की बात करें तो यहां पर मेंशन किया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस और आईटी में, देख सकते हैं ओनली आपके पास डिप्लोमा बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में है तो फर्दर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी यहां पर देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग में, टोटल नंबर ऑफ 1 वैकेंसी रखा गया है। इसमें भी आपका लेवल 6 का सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें डिप्लोमा बी बीटेक यदि आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मेंशन किया हुआ है आपके पास है तो फर्दर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सभी कुछ डिटेल से मेंशन किया। उसके बाद लाइफ साइंस के लिए यहां पर वैकेंसी रहने वाला है। यदि आपके पास यहां पर देख सकते हैं डिप्लोमा बी बीटेक या ग्रेजुएशन है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी तो फर्दर इसमें आप अप्लाई कर सकते। उसके बाद टेक्नीशियन में देख सकते हैं इसमें ओनली आपके पास 12 डिग्री मांगा गया है, फर्दर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिप्लोमा या आईटी है फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास मांगा गया है। यदि आपके पास ITI फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल से मेंशन कर दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल फील्ड में आने वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, सभी कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। आपके सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका CBT कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी CBT के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपया रखा गया। अप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, हाउ एवर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड, मतलब यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए 300 रुपया रखा गया, लेकिन जो SC ST PW एंड वुमेन कैंडिडेट हैं उनको फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दिया। उनको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फी नहीं पे करना है। यहाँ पर सभी कुछ डिटेल से मेंशन किया, अप्लाई करने का प्रोसेस भी मेंशन कर दिया गया है तो फर्दर आप अप्लाई करिए। अप्लीकेशन के एंडिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 16th अगस्त रखा गया है। इससे पहले एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड का कोई सा वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। यदि आपका ब्रांच एंड क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है तो कृपया अपना ब्रांच एंड क्वालिफिकेशन कमेंट में डालें ताकि आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी आपसे रिलेटेड मिले।